बिहार में जॉब्स का एक बार फिर से धमाकेदार अपडेट आ चुका है। तकरीबन 120 लोगों ने इंटरव्यू दे चुके हैं अभी तक, और उसमें से सिलेक्शन 45 कैंडिडेट का हुआ है, जिसमें से अभी वर्किंग जो कैंडिडेट है 30 कैंडिडेट है। मतलब कि रेशियोज अलग अलग है, डिफरेंस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो कंपनी भी बहुत बेस्ट है। इनफैक्ट जितने भी सारे लोग करना चाहते हैं वो इंटरव्यू दे के कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, और कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी वाला है वो कम से कम इस जॉब के लिए बिहार जैसे लोकेशन में राइट नाउ कम से कम वो 2 से 5 हज़ार रुपये तक रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे चार्ज कर सकती है। बिकॉज हम आपके साथ में वही इंफॉर्मेशन शेयर करते होते जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका ना तो मेजरली कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का फीस होता है। वैसे ही जॉब्स को हम लोग रिकमेंडेशन करते होते हैं। और कौन कहता है बिहार में जॉब्स नहीं है? जिसके पास में ये जॉब्स करने की क्षमता है उसके पास में ये जॉब्स चल के जाएगा, है ना, वो चल के जाएगा। अगर आपके अंदर में टैलेंट है देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार में जॉब्स के बारे में। जितने भी सारे कैंडिडेट बिहार के हैं, इस वीडियो को लाइक करके दिखाइए कि बिहार के कितने कैंडिडेट हैं जो हमें पसंद करते हैं और हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। सो एवरीबडी, अगर आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रख लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का सब नोटिफिकेशंस आपको समय से मिले। यहाँ पे देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये अभी बहुत बेस्ट है। इसमें जॉब का लोकेशन के बारे में अगर हम आपके साथ में शेयर करें तो लोकेशन है पटना, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा। इतने सारे लोकेशंस में जॉब्स है। इनफैक्ट अगर कोई समस्तीपुर से उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, दरभंगा, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, पटना, ये सारे लोकेशंस में अभी आपके पास में पोटेंशियल है, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। बट कैसे जॉब्स कर सकते हो, क्या इसका प्रोसेस है, कितनी सैलरी पैकेज मिलेगी, आखिर कितने घंटे काम करना होगा, क्या रहने के लिए रूम भी मिलेगा, ये सारी कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ में इंक्लूडेड किए हैं। राइट नाउ ऐसे ही 8 से 9 मिनट का वीडियोस लेंदी नहीं हो जाता, बट उसमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयरिंग किया गया है, इसके बारे में समझना ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों अगर आप लोग नए हो बिहार के हो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार का जॉब है इसलिए बिहारी कैंडिडेट को हम फोर्स कर रहे हैं। और वैसे भी बिहार का दबदबा, मतलब बिहार का सिमिलरली अभी तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अभी कंपनीज ऐसे है। एक कंपनी है अल्ट्रा कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को ही डिमांड किया है, डिप्लोमा होल्डर को। आखिर क्यों? क्योंकि बिहार के कैंडिडेट ज़्यादा मेहनती लगते होते ही है। सो आई थिंक यहाँ पे देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है सहयोग ऑफिसर पोस्ट का है। अब देखो इसका रिक्वायरमेंट बहुत पहले से चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने ईमेल भी किया, उसको बोल रहे कि रिस्पॉन्स नहीं आया मेरा। देखो भाई आप कुछ गलती कर रहे हो, आपको ईमेल सही से नहीं करने आ रहा है, क्योंकि ये जो ईमेल जाता है एचआर के पास जाता है सीधा। अब एचआर के पास जाता है, एचआर ने खुद मेरे को कल कॉल किए थे कि सर आपके कैंडिडेट का ईमेल तो तकरीबन 350 ईमेल आए हुए हैं, उसमें से 120 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, आखिर इसका रीज़न क्या है? मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि ईमेल करने लोगों को नहीं आ रहा है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, कुछ भी ईमेल में डाल रहे, कुछ भी ईमेल मतलब है ही नहीं कुछ तरीके का, तो सॉरी फॉर रिज्यूम कोई तरीके का ही नहीं है। तो ये चीज़ों को समझ, रिज्यूम जब बनवाते हो साइबर कैफ़े में तो मैंने बोल दिया कि उसमें ये चीज़ें मेंशन कर दो कि आई हैव ए बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एवरीथिंग। तो इसमें इस कंपनी में बाइक और डीएल की ज़रूरत है, अगर आपके पास में नहीं है पहले ही रिजेक्ट कर देंगे आपको, और उतना टाइम नहीं होता कि रिज्यूम पर सबका देख के फ़ोन करे कि हाँ आपके पास में बाइक है डीएल है ये पूछताछ करे। आप रिज्यूम पे ही मेंशन कर दो ना कि मेरे पास में बाइक और डीएल दोनों है, मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मेरे सेम फील्ड में इतना इतना साल का एक्सपीरियंस है, ये बेटर होगा। सो यहाँ पे देखिएगा ये सहयोग क्रेडिट ऑफिसर पद का विवरण है, क्रेडिट अधिकारी के लिए नौकरी का विवरण है, यानी कि क्रेडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट का क्या एलिजिबिलिटी है वो बताते हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम है क्रेडिट ऑफिसर, योग्यता में न्यूनतम यानी कि मिनिमम 12th पास आउट कैंडिडेट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, बिकॉज
ट्वेल्थ बिलो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल एंड ट्वेल्थ पास बट गुड कम्युनिकेशन स्किल गुड प्रेजेंटेबल स्किल्स सो मस्ट इंपोर्टेंट नीडेड इन दिस कंपनी एंड वेल अगर आपका प्रेजेंटेबल स्किल्स अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं चलोगे। एज लिमिटेशन मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35 इयर्स बिलो 21 कैंडिडेट नॉट एलिजिबल एंड अबोव 35 इयर्स कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। लोकेशन तो मैंने बता दिया पटना शेखपुरा नालंदा नवादा सीतामढ़ी मधुबनी वैशाली बेगूसराय दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर। लेकिन एक चीज का इसमें बाउंडेशन है क्या बाउंडेशन है अगर कोई मुजफ्फरपुर का कैंडिडेट है वो अपने होम टाउन में जॉब नहीं कर सकता अगर कोई पटना का कैंडिडेट है तो वो पटना के होम टाउन में काम नहीं कर सकता मतलब स्टेट उसको चेंज करना होगा। राइट नाउ अगर मान लिया कि आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर में तो आपको काम करना होगा पटना में या फिर समस्तीपुर में या फिर वैशाली में या फिर दरभंगा में मतलब डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करना होगा। इनफैक्ट अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं है तो आप एलिजिबल हो ही नहीं पाओगे अनएलिजिबल करार दे दिया जाएगा क्योंकि ये कंपनी का बाउंडेशन है कि जो लोकल कैंडिडेट होंगे वो नहीं चलेंगे मतलब कि वो कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करेंगे। ये मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है वो कंपनी बोलती है। अगर एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का उसको प्रायोरिटी दी जाएगी सैलरी भी इंक्रीजमेंट होंगे उसका और जो फ्रेशर्स है वो भी आवेदन कर सकते बट कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेबल स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दो स्किल्स आपके पास में है तो डेफिनेटली से आप चल जाओगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाला। अगेन यहाँ पे जो है नौसिखुआ फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। वेतन जो है विवरण मूल वेतन यहाँ पे जो टोटल सैलरी आता है वो 17,000 रुपये आता है प्लस में आपका 3 महीना कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलता है इंसेंटिव। आखिर इंसेंटिव का रेट क्या होता है तो इंसेंटिव का रेट होता है 15% से 25% जो आपका मूल वेतन है यानी कि बेसिक पे आउट है 10,000 रुपये है तो अगर 15% हुआ तो 1,500 रुपये 25% हुआ तो 2,500 रुपये तो इतना तक इंसेंटिव मिलता है मतलब कि 19, 19.5 या फिर 20,000 रुपये तक मोटा मोटी 3 महीने बाद कमाई होगा। रिसेंटली में 17,000 रुपये के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ओके इसमें काम क्या होता है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा मुझे तो काम क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूं तो ये जो लोन वगैरह होता है उसको देखना पड़ेगा लोन दिलाना पड़ेगा लोन उसलना पड़ेगा तो यही सब काम होता है। अब देखो डॉक्यूमेंट्स में आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों होना चाहिए आधार कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए पैन कार्ड भी ओरिजिनल मैंडेटरी है बैंक खाता का विवरण यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल्स बाइक का जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए रजिस्ट्रेशन पेपर पॉल्यूशन पेपर इंश्योरेंस पेपर ये सब होना चाहिए। अब देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है जितने भी सारे कैंडिडेट काम को करना चाहते हैं और बिहार लोकेशन में करना चाहते हैं उसके लिए पोटेंशियल है। लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि इस जॉब के लिए सब व्यक्ति एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सब एलिजिबल हो गए तो क्या दिक्कत है सब जॉब्स के लिए एग्री करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन बिहार के कुछ और प्रोजेक्ट मेरे पास में आए हुए वेयर हाउसेस के आए हुए हैं उसका भी अभी शेयर करेंगे कुछ देर में। रेमंड कंपनी का भी आया हुआ है उसका भी शेयर करेंगे। बहुत सारे मल्टीपल कंपनी हैं जिसमें रिक्रूटमेंट आए हुए मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। उससे एवरीबडी अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है देखिए फिर से बोल रहा हूँ ईमेल आईडी पे रिस्पांस तभी मिलेगा जब आपका रिज्यूम A1 कंडीशन में होगा। अब रिज्यूम पता चला कि आपका ना कोई कंडीशन वाइज अच्छा है ना ही कुछ है तो ये आपका मिथ है कि आपको रिप्लाई मिलेगा। सो आई थिंक अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हो उसमें ईमेल अच्छे से करते हो तो आपको रिस्पांस 100% मिलेगा। जैसे 35 कैंडिडेट ने कंपनी ज्वाइन किया उस प्रकार से आप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो एवरीबडी मिलते हैं कोई नई रिक्रूटमेंट और कोई नई जॉब्स की अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत खुशी रहिए खुशहाल रहिए परिवार के साथ में अगर है तो टाइम बिताइए और अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो काम कीजिए मेहनत कीजिए और पैसे कमाइए। ओके बाय।